बहुत शुभकामना और आशा करते हैं कि आज शिक्षा के संबंध में भी बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ जो होने जा रहा है तो अनलिमिटेड है, हालांकि पक्ष में हो चुका है लेकिन 3 ब्लॉक के हेड मास्टर्स के साथ ये बैठक हो रही है। मिशन कायाकल्प का स्टार्ट हमारे जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अवसर ये भी है कि हम अपने मेधावी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपने मेधा से न केवल जिले का नाम रोशन किया बल्कि राज्य में भी अपना स्थान पैदा किया। हमारे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित 3 प्रतियोगिताएं थी, तीन प्रतियोगिता ओलंपियाड, क्विज और क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता, और उसके साथ साथ एक साप्ताहिक हमारा क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता जिसको सप्ताह के लिए चलना था, 3 का पुरस्कृत हम लोग पहले कर चुके हैं। 3 के बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर 23 बच्चों को और हम लोगों ने बुलाया हुआ, इन सबों का अभी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम आगे के कार्यक्रम में के लिए सबसे पहले हम लोग इस कार्यक्रम में ये रखा हुआ है कि सभी बच्चों को हम लोग जो है पहले सबसे पहले जिला पदाधिकारी महोदय इन बच्चों को आशीर्वचन देंगे, उसके पश्चात उनको पुरस्कृत करके जो जो बच्चे पुरस्कृत होते जाएंगे वो यहाँ से चले जाएंगे और तब हम लोग मिशन कायाकल्प में जो हमारे उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक अन्याम सहार और पराली के लगभग 55 एडवांसर आए हुए हैं, उनसे जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गृह बैठक की जाएगी। सभी लोगों को पुरस्कार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन रखने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही था कि कैला में जाते हैं तो आप कोई खेती करते किसी चीज का 3 वर्ष का जीवन चाहते हैं तो पेड़ लगाएंगे और किसी का 30 वर्षों का जीवन चाहते हैं, आने वाले 100 वर्षों का जीवन चाहते हैं उसकी शिक्षा में इन्वेस्ट करें। तो हम इस जिले में हमने 6 प्रखंडों को चुना है, उस 6 प्रखंडों के मिशन कायाकल्प की शुरुआत हमारे द्वारा की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि विकास तक कोई योजना की शुरुआत नहीं होती है, कन्वर्जन करके योजना पाई जा सकती है, लेकिन हम लोग कई योजनाओं को मनरेगा, सोलर लाइट, उन सभी योजनाओं को हम लोग कन्वर्ज कर रहे हैं जिला जल स्वच्छता समिति, और उसके अलावा कुछ आपका जो विद्यालय विकास को कन्वर्ज कर रहे हैं। उसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से भी बहुत सारे चीजों को देने जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा आपके साथ 1-to-1 होगी। अभी मैं उन बच्चों को जो हमारे 45 बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है, उनको हम सम्मानित करेंगे, वही हमारे आगे भविष्य की मोदी है जिले का नाम रोशन होगा। और हम सब चाहते हैं जिस तरह के हजारों बच्चे इस जिले से निकले हैं इसी के लिए, इन लोगों के लिए, इनके बाल वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों ने मिशन कायाकल्प का शुभारम्भ किया है कि जिले का आपका हाई स्कूल ऐसा हो चुके कि आप कहीं भी गर्व से बता सके कि मेरा हाई स्कूल है और इसके स्वरूप बढ़ गया था और अभी कितना चेंज हो गया। हम सब का स्वागत है इस बैठक में और साथ ही साथ हम बच्चों का स्वागत करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सबके लिए हमारे आशीर्वाद है और शुभकामना है। आज आगे बढ़ेंगे हम जो सब रोल करेंगे वो बच्चों को बुलाए और पहले हम उन बच्चों को उससे पहले हम बच्चों को माइक देना चाहेंगे कि वही बच्चे हमारे हाई स्कूल के स्टूडेंट भी हैं तो उनकी क्या अपेक्षा है अपने हाई स्कूल के बच्चे, वो क्या चाहता है मैं हाई स्कूल में बदलाव लोगों से बेहतर को प्रिपरेशन दे सकता है। और इनको हानि होता है, नोटिस में मिल नहीं पाता है, तो वो चीजें चाहिए।
रुकिए के लिए। वो भी सर जो है पढ़ाते हैं सर।
हमारे स्कूल में जो इंचेस है इसके लिए बाकी सब 1 से 8 के लिए सर। हमारे स्कूल में सर पढ़ाई जो होती है बढ़िया होती है, लेकिन 9th 10th में थोड़ा टीचर की कमी, इसलिए थोड़ा नहीं पढ़ पाते हम लोग। तो उपस्थित था हमको पहले प्रणाम करना चाहेंगे हम। मेरा नाम बेबी कुमारी है, हम ग्रेडियन हाई स्कूल बड़का निकल है। हमारे स्कूल में सभी टीचर हैं, जैसे कि एक हमारे हैं टीचर बस सर इंग्लिश के, हमारे जो टेंथ के हैं उसमें हमारे इंग्लिश के ही टीचर की कमी है, और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई इतनी अच्छी हो कि हमें कोचिंग की जरूरत ना पड़े। और हमारे जो है स्कूल जो 10th क्लास को हो गया है, पहले वो हमारा मिडिल स्कूल था, अब वो हमारा 10th क्लास हो गया है, तो वहाँ पर जो है एरिया की बहुत कमी है। और जो हमारे नए अभी 10th क्लास में हमारे प्रधाना अध्यापक आए हैं श्री सारी कुमार, उम्र बहुत हमारे विद्यालय में बहुत सुधार किया है। और एक बार जो आपके बगल बैठे हैं डीओ सर, वो भी हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने हमारे स्कूल का प्रशिक्षण भी किया था। और बस हम यही चाहते हैं सर कि हम सरकारी स्कूल के होने के बावजूद भी हम UPSC की पढ़ाई करें और आपकी जैसे हमारे पास सब रिपोर्ट की बहुत कमी, तो अब हम बहुत घबरा गए हैं। तो और लाइब्रेरी तो आज सर लेकिन समय से खुलना पता है, उसमें सर टीचर कराते हैं जिनका हमारे स्कूल में हमेशा चोरी होता रहा था, उसमें सर कुछ दिन पहले सर का जो सामान था उसको चोरी हो गया था सर, और जो स्मार्ट क्लास था उससे भी सर कंप्यूटर चोरी हो जाता है सर, तो इसलिए सर चाहते हैं कि हम लोग सर गरीब से हैं उसमें प्रयोग उपयोग करके दिखाया जाए सर, कुछ लाइब्रेरी तक हों तो हम लोग भी कुछ आगे कर सकते हैं। देखिए आज शिक्षक दिवस है, सबसे पहले सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि शिक्षक ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज के दिन में विद्यालय परीक्षा समिति से जो हमारे बच्चे पुरस्कृत हुए थे जिले लेवल पे और राज्य स्तर पे जो अच्छा कार्य किए थे क्रॉसवर्ड क्विज प्रतियोगिता में, उन लोग ओलंपियाड में उन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया जिला स्तर पे, और उसके साथ ही हम लोग आप सभी बच्चों को बुलाए थे, उनसे उनके विद्यालय की समस्याओं के बारे में जाना गया। बहुत सारी समस्याएं उनके द्वारा बताई गई कि विद्यालयों में आधारभूत संरचना का अभाव है, शिक्षकों का रेशनलाइजेशन जरूरी है, उसके अलावा लाइब्रेरी की ज़रूरत है, डिजिटल लर्निंग जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके मुकाबले करने के लिए डिजिटल लर्निंग की आवश्यकता है। हम उन सभी विषयों को लेते हुए इस ज़िले में मिशन कायाकल्प की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मिशन कायाकल्प हमारे 6 प्रखंडों में जो हमारे उच्च विद्यालय हैं उसके तहत जो भी उच्च विद्यालय हैं उनको उनके आधारभूत संरचना में प्रत्याशित विकास करते हुए उनको प्राइवेट स्कूल के संपार लाने के कोशिश की जा रही है। आप अगर आने वाले 6 महीनों में आप देखेंगे कि जो 6 हमारे प्रखंड हैं वहाँ के सभी हाई स्कूल्स को इस साल हम लोगों ने अपग्रेड करके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं, डिजिटल लर्निंग की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, बेंच डेस्क की व्यवस्था, हैंड वॉशिंग की व्यवस्था, उस सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए मिशन कायाकल्प की शुरुआत की गई है, और मुझे उम्मीद है कि मिशन कायाकल्प बिहार के शिक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से यहाँ निजी शिक्षण संस्थान चलने के वजह से स्कूल में बच्चे बहुत कम जाते हैं, कॉलेज में कम जाते हैं, देखिए कोचिंग संचालक अपना पूरा दिन अपना व्यवसाय के तरफ चलाते, देखिए बेहतर यह होगा, समय निर्धारित करने से बेहतर ये व्यवस्था है कि हम उनसे बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था दें। कंपटीशन का दौर है और हम उनके निजी व्यवसाय पे रोक लगाने से बेहतर है कि हम उनसे बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था दें, ताकि हमारे बच्चे ये जाने कि उनसे कई गुना ज़्यादा सरकार की तरफ से हमें शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। और हमारे शिक्षकों की अगर
स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम एक महीने का उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराएंगे, ताकि हम बच्चों को उन कोचिंग के शिक्षक से ज़्यादा योग्य हमारे शिक्षक हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करा के हम लोग इस तरह का शिक्षा दें कि अपने आप वो बंद हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। थैंक यू। चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है ये चाय नहीं, एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।